हाय फ्रेंड्स, आज के जुड़े हम जानने वाले कि आप अपने लिए एक फ्री और बिल्कुल फ्री ब्लॉग कैसे बना सकते हैं। तो जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ये आपको पीसी में बता रहा हूँ, अदरवाइज आप इसे स्मार्टफोन पे भी ट्राई कर सकते हैं, ये बिल्कुल वर्क करती है वहाँ पे भी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको चले जाना क्रोम पे। जैसे आप क्रोम पे जाते हैं या किसी भी ब्राउजर में जाते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन कर देना है blogger.com। जैसे आप blogger.com टाइप करते हैं, मेरा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप blogger.com टाइप करते हैं, यहाँ पे क्रिएट न्यू ब्लॉग के ऑप्शन पे या ऊपर साइन इन का ऑप्शन है वहाँ पे आपको चले जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो ईमेल एड्रेस है वो डाल देना है। तो आपको अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर देना है और पासवर्ड भी डाल देना है। तो जैसे आप ईमेल और पासवर्ड दोनों चीज़ें डाल देते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे इस तरह का कुछ पॉपअप दिख सकता है इन केस कि आपने कई दिन बाद उस अकाउंट में लॉगिन किया हो। तो जैसे ही आप प्रोसेस पूरा कर देते हैं साइन इन का, उसके बाद आपके सामने इस तरह का कुछ बोर्ड खुल जाता है। तो आपको यहाँ पे अपने ब्लॉग का नाम लिखना है। तो आप अपना ब्लॉग का नाम सोच समझ के रखिएगा, क्योंकि ब्लॉग का नाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ले लूँगा, दे दूंगा, उस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें बताया गया कि आपको ब्लॉग का नाम रखने से पहले क्या क्या सावधानियाँ या क्या क्या विचार, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग का नाम रख देता हूँ, ब्लॉग फॉर मी एंड माई फ्रेंड्स। तो मैं कुछ भी ऐसी रैंडम नाम रख देता हूँ, आपको कुछ अच्छा सा नाम सोच के रखना है ना। तो उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अगर आपने जो नाम सॉरी उसके बाद जो आपने वहाँ पे नाम रखा था उसी को आपको यहाँ पे लिख देना है, ब्लॉग फॉर मी एंड माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे कुछ दिखाया गया, दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। तो अगर ये दिखाता है आपका ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल, यानी ये ब्लॉग नाम किसी ने लिया नहीं है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दिखाता है कि दिस ब्लॉग नेम इज ऑलरेडी टेकन, तो इसका मतलब आपको कुछ दूसरा नाम डालना पड़ेगा, क्योंकि वो नाम ऑलरेडी कोई ले चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका जो नाम आपके ब्लॉग पर लिख रहे हैं, यानी उस ब्लॉग का राइटर कौन है, उसका नाम आपको लिख देना है। तो मैं यहाँ पे नवीन सिंह रांगर अपना नाम लिख लेता हूँ, उसके बाद फिनिश कर देना आपको। जैसे आप फिनिश करते हैं तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड दिख जाता है। आपको यहाँ से इसे कट कर देना है, क्योंकि ये नोटिस हमें नहीं पढ़ने हैं। तो उसके बाद इस तरह का कुछ खाली इंटरफेस आपको दिख जाता है। देन आपको अगर आपको अभी पोस्ट क्रिएट करना है तो आप न्यू पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानिए तो यहाँ पे ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन है, सबसे पहले आपको सेटिंग्स को प्रॉपर कर देना है, इसके बाद ही आप कोई पोस्ट लिखें तो बेहतर होगा। तो सेटिंग्स को बेहतर किस तरह से बनाएं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।